इंद्रगढ़ में 6 अक्टूबर को फिर से होगी महापंचायत। सुरेंद्र बंटी के खिलाफ दर्शित एससी एसटी के मुकदमे को लेकर जो कि राष्ट्रीय मुद्दा है, एक महापंचायत 36 बिरादरी की 30 सितंबर को कमला भवन में सच व झूठ के बारे में बुलाई गई थी, जिसमें दूर दराज से जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, अलग अलग शहरों के व्यापार मंडल के पदाधिकारी, शहर व गाँव की आम पंचायती जनता ने हजारों की संख्या में भाग लिया। परंतु एक व्यक्ति के इशारे पर उसके 11 लोगों ने किराए के गुंडे बुलाकर उस महापंचायत को चलने ही नहीं दिया। बिरादरी के भाईचारे के लिए वो एक गलत संदेश गया। महेंद्रगढ़ को तब हम छोटे से थे, 10 साल के थे, तो यहाँ आते थे सामान खरीदने के लिए, चाहे बाद में पढ़ने के लिए आए हों, एक स्वच्छ शहर समझते थे। यहाँ की जनसंख्या और आबादी भी इसलिए बढ़ी कि महेंद्रगढ़ शहर एक बहुत अच्छा शांतिप्रिय शहर है। लेकिन परसों जो हालात हुए, उससे जो बाहर के लोग थे उन्होंने भी कहा कि हम तो एक शहर अच्छा सुरक्षित देख रहे थे, लेकिन यहाँ हम भी सुरक्षित नहीं हैं। 30 तारीख को कुछ लोगों ने जो जंगड़बाजी की, वो समाज के लिए गलत संदेश गया। ऐसा ये समाज सामने के लिए गलत संदेश बुलाते हैं। क्या गरीब आदमी को जीने का अधिकार नहीं है? आप ये बताइए, सबको समान अधिकार है। एक यहाँ के चेयरमैन ने एक सभा की कि मुझ पर ये आरोप लगाए गए हैं। हम चेयरमैन साहब को गलत या सही नहीं बता रहे, लेकिन किसी भाई की यहाँ पर बात सुनी नहीं गई। सिर्फ 5-7 लोगों ने उस पंचायत को हैक कर लिया, तब किसी की बातें नहीं सुनी गई। ये बिल्कुल सरासर गलत है, समाज के अंदर गलत संदेश गए। अभी आने वाले 6 तारीख को दिन में ठीक 1 बजे इसी भवन के अंदर एक 36 समाज के भाईचारे की पंचायत की जाएगी और जो निर्णय होगा सब आपके सामने आगे होगा। उस पंचायत का मुद्दा क्या? मुद्दा सिर्फ यही है, भाईचारा बना रहे हमारा, भाईचारा स्थापित करने के लिए आप कर रहे हैं। हाँ, हम प्रयास करेंगे, भाईचारा बना रहे। उसका एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है, सिर्फ भाईचारा बना रहे। जो 30 तारीख को जो हरकतें हो आगे ऐसी न, सबको बोलने का मौका दिया जाए, जिसकी गलती है उसको गलत बताया जाए, लेकिन बोलने का मौका सबको दिया जाए। 30 तारीख को किसी को भी मौका नहीं दिया गया, तब वो समाज के लिए बहुत ही निंदनीय था। अगर उस दिन भी कोई इस तरीके की घटनाक्रम होता है तो नहीं, हम कोशिश करेंगे ऐसा नहीं होगा उस दिन। नहीं, जैसे कोई होता है कोई असामाजिक, नहीं ऐसा होगा नहीं जी। असामाजिक तत्व को हम भाईचारे की इस पंचायत में बैठकर सुनते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। पंचायत में जो आम आदमी आएगा, हाँ जी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था होगी। सुरक्षा व्यवस्था आप और सब मिलकर ही करेंगे, शहर के लोग ही करेंगे, गाँव से जो लोग आएंगे वो सब मिलकर करेंगे। और भाईचारे को जो पहले आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले जो महेंद्रगढ़ शहर था, ऐसा ही अमन चैन रहेगा। हम ऐसे ऐसा इस इलाके की जनता से करते हैं। जो FIR SCST एक्ट के जो मेरे खिलाफ दर्ज हुई थी, उसके मामले में पूरे शहर में, पूरे इलाके में रोष, सभी ने कहा इसके बारे में एक महापंचायत होनी चाहिए। यह मुद्दा खाली आपका नहीं है, यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है कि इस पूरा झूठा मुकदमा दर्ज करना गलत है। उसके संदर्भ में व्यापार मंडल एवं सभी शहर गांव के मौजूदा ने महापंचायत बुलाई थी। उस महापंचायत में 11 व्यक्ति, अधिकतम 11 व्यक्ति ने 30 के गुंडे बुलाकर उस पंचायत का माहौल बिगाड़ दिया। जो 2-3 आदमी आए उनको बोलने तक नहीं दिया, माइक तक लोगों के खोसे गए, जिससे उनका खुद का तो अपमान हुआ हुआ, पर उन्होंने महापंचायत का भी अपमान कर दिया। उसकी वजह से हमारे गांव के सरपंच साहिबान, हमारी उस बार हमारे सभी मौजूदों के दिल में पीड़ा हुई कि ये क्यों हुआ, ये पान महापंचायत का तो हुआ हुआ, साथ में उस महापंचायत के अंदर जो व्यक्ति बैठा था एवं जो व्यक्ति बैठा हुआ नहीं भी था, उसका भी अपमान हुआ। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए और उस महापंचायत के सम्मान की बहाली के लिए ये हमारी नागपुर सभा, हमारे सरपंचों ने और सभी इलाकों के शहर के मौजूदा ने कहा कि तुम्हारा पंचायत होनी चाहिए कि कुछ हो जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ नागपुर सभा का और सरपंचों का कि उन्होंने कहा कि इस महापंचायत जो 30 को दोपहर में 1 बजे इसी रामलीला मैदान होगी, उन एक एक व्यक्ति की
सुरक्षा की जुम्मेदारी हमारी होगी, क्या मजा कोई नंबर मारते। उन लोगों ने कल शाम को हमें आकर सरपंच से, कल शाम को 15-20 सरपंच से, आज सरपंच सारे नहीं आ पाए क्योंकि आज 2 तारीख का स्वच्छता अभियान है, सारे सरपंच जो कि छुट्टी है वो कामों में लगे हुए, हमारे सौ बैठी है। तो कल उन्होंने फैसला किया कि भाई महापंचायत द्वारा होनी चाहिए, कईयों की बेचारों की गुत्थी पकड़ी है, कईयों के धक्के मारे, सबके दिल में कोई बोल नहीं मारा, बल्कि अंदर से अंदर पूरा शहर और पूरा इलाका रो रहा है कि महापंचायत का मार, इससे पहले तो गर्दन कट सकती है, ये तो गर्दन ने झुका दी हमारे, तो इसलिए महापंचायत बुलाई जा रही है और सभी से मिले कि मुख्यतः महापंचायत के सम्मान के लिए कृपा अधिक से अधिक संख्या में। शर्मा जी, हमारे तिवाड़ी जी कर रहे थे, उस पंचायत में सबसे बुजुर्ग उम्र दराज आदमी थे, 75 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी, और तिवाड़ी जी पंचायत की अध्यक्षता कर रहे थे, 3 बार उनका अपमान किया गया, अध्यक्ष जी 3 बार उनको बुला के लाए, 3 से माइक छीन लिया गया। अब पंचायत में 5 आदमी होते हैं तो भी पंच परमेश्वर होते हैं, और उस पंचायत में तो 1000 आदमी थे, उस पंचायत में अध्यक्ष का इस तरह का अपमान करना, ये तो सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए पंचायत की गई थी। पंचायत में आए हुए लोग बंटी शहर में बिना बंटी के पक्ष के या उनके साथ नहीं थे, वे पंचायती लोग थे, पंच परमेश्वर का दर्जा था, उनका इस तरह से अपमान करना सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का कार्य है। और इस बाबत ये दोबारा महापंचायत की जा रही है कि कुछ अराजक तत्वों ने उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ही नहीं की। आपके ये मोबाइलों पे मैं देख रहा था जिस तरह की हरकतें उनकी मोबाइलों में कैमरों में रिकॉर्ड है, आप देखिए खुद पता चल जाएगा कि उनकी मानसिकता क्या थी, वे झगड़े पे उतारू हो रहे थे बार बार। जो और एक बार देखो, अध्यक्ष जी को तो 3 बार अपमानित किया, उस पंचायत में कोई किसी बिरादरी का कोई वक्ता ऐसा नहीं था जिससे माइक नहीं छीना गया, कितनी बड़ी वेदना की बात है। पहले प्रबंध किया जाएगा, उन आदमियों को नॉमिनेट कर लिया गया है, उनकी मंशा उसी रात को पता चल गई थी कि यह प्रायोजित षड्यंत्र था,